मुंब्रा बाईपास पर हुई विचित्र दुर्घटना, दो ट्रेलर और रिक्शा की टक्कर में हुई रिक्शा चालक की मौत। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार को दोपहर में मुंब्रा बाईपास पर बिल्कुल जहां माज होटल जहां से एक बाईपास है वहां से अलग से बाईपास को लग करके सर्विस रोड है उसी के सामने एक विचित्र दुर्घटना हुई। ट्रैफिक के कारण पहले से ही खड़े एक ट्रेलर में पीछे से रिक्शा चालक आके टकराया और उसी रिक्शा को पीछे से दूसरे एक और ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। रिक्शा बुरी तरीके से अंदर ड्राइवर समेत ट्रेलर के नीचे घुस गई थी जो कि क्रेन की सहायता से बाद में उसे निकाला गया। पूरी रिक्शा खींच के निकालने के बाद उसमें से गंभीर रूप से घायल रिक्शा चालक को निकाला गया। उसे बाद में कौसा के बिलाल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रख करके उसका इलाज शुरू किया, मगर इलाज भर्ती करने के और इलाज शुरू करने के एक से डेढ़ घंटे के बाद इस रिक्शा चालक की मौत हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रिक्शा चालक का नाम रहमान है और ये 7 दिन पहले ही अपने गांव से लौट करके आया था और मुंबई में इसने अपना रिक्शा किसी को दिया हुआ था, वहां से ये रिक्शा लेकर के आया था और शुक्रवार को रिक्शा समेत वो इस हादसे का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना के चश्मदीद गवाह और इस गंभीर रूप से घायल हुए रिक्शा चालक रहमान को बिलाल अस्पताल तक पहुंचाने वाले सैयद यूसुफ ने इस दुर्घटना के बारे में क्या जानकारी दी वो भी हम भाई आपका नाम क्या है? नाम यूसुफ सैयद है। यूसुफ भाई, ये जो रिक्शा यहाँ एक्सीडेंट हुआ है आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं एग्जैक्टली घर में था जब ये हादसा अच्छा। हुआ है बट लेकिन मैंने मेरा पूरा हादसा होते हुए घर से देखा है। मैंने घर से देखा है। तो ये रिक्शा ड्राइवर को आपने ये किस तरीके से निकाला और कैसे आपने बिलाल हॉस्पिटल पहुंचाया, ये पूरा वाक्य किस तरीके? ठीक है, मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। बेसिकली ये हुआ कैसे कि ये जो ट्रक है यहाँ पे खड़ी आपने देखा है, ये ट्रक का ड्राइवर भी जो अभी है भाग चुका है। तो सबसे बड़ा टास्क जो है हमारे को, पहले टास्क हमारी पुलिस को है ये ड्राइवर को ढूंढना। तो मेन चीज़ क्या, ये जब गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था ना, तो ये रिक्शे को पीछे से इसने बैंग किया है और वो जो ट्रक खड़ी है आगे आप देख रहे हो, ठीक है, उसके बैक साइड में उसके पीछे की तरफ में रिक्शा पूरा घुस गया। अच्छा, तो आगे जो ट्रक खड़ा है उसके नीचे घुस गया था। हाँ, एग्जैक्टली वही ट्रक के नीचे पूरा घुस गया। अब हुआ क्या, हम लोग को बाद में रिक्शा निकालने के लिए, ये जो रिक्शे का ड्राइवर था गाड़ी के अंदर ही था, ठीक है, अब हम लोग को निकालना है रिक्शा प्लस गाड़ी का ड्राइवर की भी जान सेफ रहना चाहिए। तो हम लोग ने JCB को, ये जो बाईपास का काम चालू है, ठीक है, तो ये JCB को हायर किया और ये रिक्शा निकालवाया हम लोग ने। और वैसे ऑन द स्पॉट मैंने अकेले रिक्शा को यहाँ से लेके आया और रिक्शा को लेके आके है ना बिलाल हॉस्पिटल में ड्रॉप किया। आप अकेले थे? हाँ, अकेला था। और यहाँ कोई और नहीं था आपके साथ? और लोग थे यहाँ पे बट बोलते ना डर इंसानियत। तो मैं खाली आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइस कभी किस चीज़ से डरिएगा मत, जो भी होता है ना आप लोग फेस कीजिए, ठीक है, कभी गलत का साथ दीजिए, सही का साथ दोगे सही होगा। तुम ये मत सोचिए कि मैं इसको यहाँ से उठा के लेके आ रहा पुलिस होगी तो ये मैं भी चीज़ सोच सकता था, लेकिन नहीं, वो हमारा एक भाई है, वो भले कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, हमारा भाई है, हमको उसका साथ देना है। आपका नाम क्या है? नाम पोपट। पोपट, पोपट, पोपट जी। पोपट जी, जो रिक्शा ड्राइवर रिक्शा आपकी गाड़ी के पीछे पूरा घुस गया था, तो ये कैसा पूरा हादसा था और क्या मात्रा था? पीछे वाले गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया, रिक्शा बीच में घुस गया, ठोक गया। अच्छा, जो पीछे कंटेनर था उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उसने रिक्शे को पुशिंग किया और वो आपकी गाड़ी के नीचे पीछे घुस गया, उसमें कोई गलती आपकी तो है ही नहीं। निकाले बोले JCB नहीं हाइड्रा। इंसान तो बहुत आगे आ गया, वो देखो ना गाड़ी की हालत देखना, वो गाड़ी को भी ठोक दिया। अरे ये देखो ना, ये
पार्किंग वाली गाड़ी को देखो ना। अरे चिपका लेने भी मारा लगता है। हाँ दोनों ने चिपका दिए। हाँ वो ट्रक है ना कितना टाइटिंग है। अरे वही तो बोल रहा, देखना ये गाड़ी, देखना ये गाड़ी को भी ठोक दी है वाइट वाली, इसलिए मैं यहाँ गाड़ी खड़ी भी करता हूँ। अपने को ऐसे भी तुम लोग ग्राउंड पर खड़ा करेंगे तो बोल नहीं सकते, वो अपनी पार्किंग है ही नहीं। हाँ वो लोग बोलेंगे तुम्हारे को मना है तुम क्यों खड़ा करेंगे। अच्छा फ्रेम उठाओ, फ्रेम में फंसा है ना वो, फ्रेम उसको उड़ने वो छतरी रहती ना वो। हाँ फिर हम फटका मजबूत पड़ाएगा। तो क्या करेगा, रिक्शा वाला है वो। नहीं वो पर्दा है, ये बाइक लेके एक ही जन रिक्शा आई डी देख रहे।